क्वेश्चन नंबर थ्री का लास्ट पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझना है और करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फाइंड y2 इफ x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। गिवन फंक्शन है, हमें फाइंड करना है y2, मतलब इस फंक्शन की टू टाइम स्लोप फाइंड करनी है या टू टाइम हमें डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x में। तो सबसे पहले ये जो गिवन है इसको लिख लेते हैं, गिवन दैट। तो गिवन हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड से अप्लाई कर लेंगे d ओवर डी एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी, और यहाँ पे राइट साइड पे जीरो का भी डेरिवेटिव अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए हम पावर फार्मूला लगाएंगे, सब के ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो सब के ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं। ये देखें डी ओवर डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर, यहाँ पे टू जी जो है ना कॉन्स्टेंट टर्म है, यानी कि यहाँ पर टू जी जो है ना वो कोफिशियंट ऑफ एक्स है, इसलिए कोफिशियंट ऑफ एक्स को स्टार्ट में लिख लेते हैं, एक्स का डेरिवेटिव ले लेते हैं। इसी तरीके टू एफ भी कोफिशियंट है तो डेरिवेटिव आ जाएगा वाई का, और यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे सी का, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सी। जीरो कॉन्स्टेंट फंक्शन है, कॉन्स्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पर पावर फार्मूला लगाएंगे, पावर फार्मूला क्या होता है, पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस, यानी टू में से एक माइनस करेंगे तो पावर वन, वन लिखी नहीं जाती। विदाउट पावर भी डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा वन, एक्स की रिस्पेक्ट में वन आ जाएगा प्लस। इसी तरीके यहाँ पर पावर फार्मूला, पावर शुरू में पावर में से एक कम, और वाई का एक्स की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। वाई यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे 2g और x की रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव होते हैं 1, 2f और y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy over dx, और c यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 0, तो which is equal to 0। अब जिन जिन टर्मों के साथ dy over dx मौजूद नहीं है उनको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, जैसे ये 2x है और ये 2g है, इनको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 2y dy over dx बच जाएगा लेफ्ट साइड पे, और बाकी बचेगा 2f dy over dx, और इस टर्म को और इस टर्म को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दो तो माइनस का 2x और मनफी का आ जाएगा 2g। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है dy over dx फाइंड करना। तो यहाँ से भी हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, जैसे यहाँ से कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है और dy over dx भी कॉमन आ रहा है, और राइट साइड से भी माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा x प्लस जी, ठीक है। तो हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना। तो जो डी वाई डी एक्स के साथ ये वाली जो टर्म मौजूद है ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, तो माइनस टू इंटू एक्स प्लस जी डिवाइडेड बाई टू इंटू वाई प्लस एफ। तो यहाँ से ये टू टू से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारे पास डी वाई डी एक्स फाइंड आउट हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा माइनस इंटू एक्स प्लस जी डिवाइडेड बाई वाई प्लस एफ। तो डी वाई और डी एक्स को लिखा जा सकता है वाई वन, दिस इज इक्वल टू मनफी इंटू एक्स प्लस जी डिवाइडेड बाई वाई प्लस एफ। मैं इसको इक्वेशन नंबर वन कह देता हूँ, इक्वेशन नंबर वन, क्योंकि ये जब हम सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो उसमें हमें डी वाई और डी एक्स की वैल्यू रिप्लेस करवानी पड़ेगी, तो इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन बोल देते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो बाद में। तो इसी फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो वाई लेफ्ट साइड से अप्लाई कर लेते हैं डी ओवर डी एक्स वाई वन का डेरिवेटिव, राइट साइड से ये जो माइनस है इसको स्टार्ट में लिख लेते हैं और बाकी फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते हैं, एक्स प्लस जी डिवाइडेड बाई वाई प्लस एफ। तो हम जानते हैं कि y1 का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है y2, और यहाँ पे हमें क्वेश्चन फार्मूला लगाना पड़ेगा, और ये जो माइनस है इसको यहाँ पे शुरू में लिख देता हूँ। तो दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन,
दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे होते हैं तो हमें क्वेश्चन फार्मूला लगाना पड़ता है। तो क्वेश्चन फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ये जो लोअर फंक्शन है इसको यहाँ पे लिख के इसका स्क्वायर डाल दो, लोअर फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ अपर फंक्शन और प्लस माइनस, और ये एक्स प्लस जी एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ लोअर फंक्शन वाई प्लस एफ। चलिए अब डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते हैं तो y2 किसके बराबर आ जाएगा, y2 बन जाएगा, ये जो माइनस था ये अभी बाहर ही है इसलिए ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ और इसको मतलब बाहर निकाल लेता हूँ तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 1 डिवाइडेड बाई y प्लस एफ और ये होल का स्क्वायर इनटू ब्रैकेट में ये y प्लस एफ तो एज इट इज आ गया और x प्लस जी का डेरिवेटिव, यहाँ पे g कॉन्स्टेंट है और x की रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और g कॉन्स्टेंट फंक्शन है, कॉन्स्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 और ये x प्लस जी जो होगा वो एज इट इज फंक्शन आ जाएगा और y की x y का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स और f कॉन्स्टेंट फंक्शन है, कॉन्स्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाता है 0। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या बन जाएगा, तो y2 बन जाएगा मनफी वन बाई वाई प्लस एफ होल का स्क्वायर इंटू वाई प्लस एफ को वन प्लस जीरो में के साथ ज़रब करें तो ये वाई प्लस एफ ही बन जाएगा, ठीक है, माइनस इसी तरीके से ये एक्स प्लस जी इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू रिप्लेस करवाएंगे बाई इक्वेशन नंबर वन। तो इक्वेशन नंबर वन में हमने ये देखिए डी वाई डी एक्स इसके बराबर निकाला था, ये निकाला था माइनस इंटू एक्स प्लस जी डिवाइडेड बाई वाई प्लस एफ, तो ये वाली वैल्यू पुट करवा देते हैं तो माइनस थी हमारे पास इंटू एक्स प्लस जी डिवाइडेड बाई वाई प्लस एफ, ठीक है। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन तो वाई टू बराबर आ जाएगा मनफी वन ओवर वाई प्लस एफ होल का स्क्वायर इंटू ये y प्लस एफ, चले इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये माइनस इस माइनस से जरब होगी तो ये बन जाएगा प्लस, x प्लस जी को x प्लस जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x प्लस जी होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बन जाएगा y प्लस एफ। उसके बाद एलसीएम लेंगे और एलसीएम की मदद से सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वाई टू बराबर आ जाएगा ये मनफी वन ओवर वाई प्लस एफ होल का स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा वाई प्लस एफ, y प्लस एफ को y प्लस एफ से जाके ज़रब करेंगे तो ये बनेगा y प्लस एफ होल का स्क्वायर और इसी तरीके से ये बन जाएगा x प्लस जी होल का स्क्वायर। दोनों के स्क्वायर को एक्सपेंड कर लेते हैं, स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो y2 बन जाएगा मनफी वन ओवर y प्लस एफ होल का स्क्वायर, चलें इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस टू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाई सेकेंड टर्म। इसी तरीके यहाँ पर माइनस मौजूद है, सॉरी ये प्लस है, यहाँ प्लस लगा देते हैं, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस टू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाई सेकेंड टर्म और डिवाइडेड बाई आ जाता है y प्लस एफ। तो y टू बराबर आएगा ये इससे ज़रब होगा तो मनफी वन ओवर y प्लस एफ की पावर हो जाएगी थ्री और इंटू इसको थोड़ा मैनेज करके लिख लें तरतीब से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई और बाकी जो टर्म में रह गए हैं उनको लिख लेते हैं। तो मैंने देखे कौन कौन से टर्म में डाल दिए, ये एक्स स्क्वायर पहले लिख लिया फिर वाई स्क्वायर फिर लिख दिया ये टू जी एक्स और फिर लिख दिया टू एफ वाई, तो बाकी मेरे पास क्या रह जाता है एफ स्क्वायर और प्लस जी स्क्वायर, इसको बाद में लिख देता हूँ एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये मैंने मतलब ऐसी अरेंजमेंट क्यों की है, क्योंकि हमारे पास गिवन क्या था, ये मैं गिवन वैल्यू पुट करना चाहता हूँ इसलिए मैंने ऐसा किया। तो गिवन मेरे पास था यहाँ पे स्टार्ट के अंदर देखें तो ये वाली गिवन वैल्यू थी, ठीक है, मैं इसी फैक्टर को दोबारा से लिखता हूँ, गिवन दैट देखें सिंस मेरे पास गिवन क्या था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो था। अब हमारे पास ये सारी की सारी टर्म बनी पड़ी है, यहाँ तक तो बनी पड़ी है, इसका मतलब c को दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई
ये बराबर हो जाता है मनफी सी, मतलब इस सारी वैल्यू की जगह पे मैं मनफी सी को रिप्लेस करवा सकता हूँ। तो चलिए रिप्लेस करवा देते हैं। तो यहाँ पे देखें कि इस सारी टर्म की जगह पे वाई टू बराबर आ जाएगा मनफी वन ओवर वाई प्लस एफ होल पावर थ्री। इस सारी टर्म की जगह पे मैं पुट करवा सकता हूँ माइनस सी, और ये आ जाएगा प्लस एफ स्क्वेयर, और प्लस आ जाएगा ये जी का स्क्वेयर। अब ये माइनस अंदर ज़रब होगा सारी टर्मों से, तो ये बन जाएगा सी मनफी एफ स्क्वेयर मनफी जी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई वाई प्लस एफ होल पावर थ्री। तो हमने फंक्शन को टू टाइम डिफ्रेंशिएट कर लिया।